फंक्शन परफॉर्म करेंगे इन एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे ओके okay, तो सबसे पहले हम सिंपल एंजाइम्स देखते हैं तो एंजाइम्स हमारी प्रोटीन्स होंगे एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ओके तो ये वर्क करेंगे एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट अब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होंगे हमारे जो कि इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को या हम बोल सकते हैं

एंजाइम के टाइप की बात करें तो आइसोएंजाइम बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं आइसोएजाइम्स आइसोएंजाइम्स iso क्या होते हैं हमारे मल्टीपल फॉर्म है एंजाइम्स की मतलब वो एंजाइम्स दैट डिफर इन अमीनो एसिड सीक्वेंस ओके जिनकी अमीनो एसिड सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस हमें मिलेगा दैट डिफर इन अमीनो एसिड सीक्वेंस बट कैटालाइज द Same chemical reaction, but वो same chemical reaction को catalyze करेंगे। तो हम simple ये बोल सकते हैं, अब enzymes हमारे proteins हैं अब हमारे और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं तो इनकी जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है उनमें हमें माइनर डिफरेंस देखने को मिल सकता है बट ये सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये हमारे आइसो एंजाइम्स होंगे सेम हमसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि slightly different molecular structure होगा, but वो same activity perform करेंगे, तो यहां पर हमारा correct answer हो जाएगा लेकेट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही आज डाउनलोड करिए डाउट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर